अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शंस इन दी जूम एप्लीकेशन। जूम एप्लीकेशन में आप किस तरह से स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, क्या आप पोर्शन ऑफ स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं, या कि आप एक स्पेसिफिक विंडो भी शेयर कर सकते हैं, या जहाँ जहाँ पे आप जाते हैं क्या जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपको ट्रैक भी कर सकते हैं यूजिंग योर स्क्रीन शेयरिंग। सो लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम शहबाज अहमद, ग्रेजुएटेड इन कंप्यूटर साइंस। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी तड़का। स्टे ट्यून विद माय चैनल फॉर अपलोडिंग फॉर अपडेटिंग मोर एंड मोर वीडियोस अबाउट टेक्नोलॉजी। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। आवर टॉपिक इज स्क्रीन शेयरिंग। अब आप अपनी स्क्रीन को कैसे शेयर कर सकते हैं सो दैट आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं दे कैन विजिट योर स्क्रीन, आपकी जो स्क्रीन है उनके लिए विजिबल हो। आप जैसे ही आएंगे नीचे शेयर स्क्रीन पे, आप स्क्रीन को क्लिक करके सेलेक्ट करके शेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है नाउ इट इज़ विजिबल टू एवरी पार्टिसिपेंट इन द मीटिंग। आप किसी भी टाइम इसको स्टॉप शेयर भी कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आप इसके लिए एक शॉर्टकट की मैं आपको बताऊं, आप किसी भी टाइम उसको प्रेस करके स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्ट प्लस एस। ऑल्ट प्लस एस जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। एंड कीप इन माइंड वन थिंग कि ये जो पार्ट ऑफ स्क्रीन है ये आपका कोई भी पार्टिसिपेंट इसको नहीं देख रहा एट दिस टाइम। ये सिर्फ आप ही हैं जो कि आप होस्ट हैं, आप इस चीज़ को देख रहे हैं। आप इसमें कोई भी एक पोर्शन ऑफ विंडोज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे तो आप अपने लैपटॉप पे जहाँ जहाँ भी जाएंगे आपके पार्टिसिपेंट्स उसको देख सकेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मेरी एक PDF फाइल जो है जो कि ओपन हुई है मेरे PDF एडिटर में, आपके पार्टिसिपेंट सिर्फ उसको ही देखें, तो आप वो विंडो सेलेक्ट करेंगे। आपके पास जो भी विंडो होगी, मैंने इसको सेलेक्ट किया बिग डेटा को और इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, तो सिर्फ ये ही स्क्रीन है जो कि मेरे पार्टिसिपेंट्स देख सकेंगे। बाकी मैं जहाँ भी जाऊँगा उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और सिर्फ यही स्क्रीन वो सिर्फ विजिबल होगी उन सब के लिए। सो स्टॉप शेयर एंड गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप पे। अगर आप चाहते हैं कि ये जो मेरी पूरी स्क्रीन है और जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मेरी इस रूप की जो एक पिक्चर है वो आप वो इसको विजिबल ना कर सकें, इसको ना देख सकें, और बाकी जितना भी मैं उनको अलाउ करूँ सिर्फ वो वही चीज़ देखें, तो जी हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है। आप अपनी पोर्शन ऑफ स्क्रीन को भी शेयर करवा सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे ही शेयर स्क्रीन पे ऑप्शन पे जाएंगे, बेसिक में है, आप जाएंगे एडवांस में, एडवांस पे क्लिक करेंगे, पोर्शन ऑफ स्क्रीन को ही आप क्लिक करेंगे और शेयर कर देंगे। ये देख सकते हैं आप कि ये ग्रीन कलर का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने ओपन हो रहा है। तो ये जहाँ जहाँ पे मैं ग्रीन कलर के डायलॉग बॉक्स को रखूँगा तो देखें ये ही पार्ट जो है दी आउटपुट से स्टार्ट हो रहा है और ये ही पार्ट मेरे पार्टिसिपेंट को विजिबल होगा। हम इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करवा सकते हैं जहाँ पर हम रखना चाहें। सो ये ही पार्ट स्क्रीन का विजिबल होगा मेरे तमाम पार्टिसिपेंट्स को। एंड वन थिंग कीप इन माइंड कि जैसे ही मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करता हूँ तो इसका कलर चेंज होकर येलो में हो जाता है। इसका मतलब कि अब आपकी शेयरिंग नहीं हो रही, वो नहीं देख रहे कि आप इसको कहाँ से पकड़ के कहाँ ले जा रहे हैं। बट वेन यू रिलीज योर माउस तो ये कन्वर्ट हो रहा है ग्रीन कलर में। इट मीन्स कि नाउ यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन एंड नाउ your participants are seeing your screen result. So that was the pro tip जो कि शायद आप लोगों में से किसी को भी पता नहीं होगी, और शायद कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे कि आप एक portion of screen को भी share करवा सकते हैं। So let's go to the next one. Okay, our next tip is optimize video. बहुत से viewers हैं, बहुत से लोग हैं, उनका यही शिकायत आ रही है, यही प्रॉब्लम है कि जैसे ही वो अपनी वीडियो को यूज़ करते हैं इन जूम मीटिंग, उसको प्ले करते हैं, वो विजिबल तो हो जाती है, उसका जो इंटरफेस है वो तो नज़र आ जाता है, बट उसकी जो वॉइस है उसकी हमें समझ नहीं आती। वो कभी कभार चली जाती है, कभी म्यूट हो जाती है, कभी हमें सुनाई नहीं देती, तो कभी कभार सुनाई देती है। लैगिंग के भी कंसेप्ट हैं, बट इस टिप में अगर आप इस टिप को यूज़ करेंगे तो आप अपनी वीडियो को
इजीली चला सकते हैं और उसकी जो वॉइस प्रॉब्लम है वो भी नहीं आएगा। आप शेयर स्क्रीन पे आएंगे, स्क्रीन को शेयर करेंगे, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और ये जो नीचे एक चेक बॉक्स है ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो क्लिप, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली शेयर साउंड वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन, नाउ यू कैन शेयर योर एवरी टाइप ऑफ वीडियो एंड योर साउंड ऑल्सो। अब आप अपनी साउंड भी शेयर कर सकते हैं, वो भी सबको सुनाई देगी और सब कुछ। ओके जी, लास्ट टिप अबाउट शेयरिंग स्क्रीन इज एनोटेशन। जैसे ही आप अपनी स्क्रीन को शेयर करेंगे, शेयर योर स्क्रीन, नाउ आप देख सकते हैं आपके बिल्कुल ऊपर टॉप कॉर्नर पे एनोटेशन वाला ऑप्शन है। आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी एनोटेशन भी दे सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जो कि मोस्टली टीचर्स के लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। जब आपके स्टूडेंट्स अपनी तरफ से नोटेशन करते हैं और आपको मसला होता है, इनअप्रोप्रिएट लगता है, फिर आप कैसे उसको सेव कर सकते हैं, बच्चों से बचा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेलेक्ट पे जाएंगे। अगर आप समझाना चाहते हैं किसी को कि आपने जस्ट ये पार्ट को ही समझना है, मैं आप इसके बारे में बात कर रहा हूँ, बिग डेटा इज लार्ज नंबर ऑफ डेटा, तो आप इसको सिलेक्ट करके उन लोगों को समझा सकते हैं। आप किसी भी टाइम उसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, इरेजर को लें और यहाँ पे आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं एंड आप ड्रा भी कर सकते हैं कुछ लाइंस को। आप यहाँ पे जाएं, लाइंस को ड्रा करें और यहाँ पे आप कुछ भी लाइन ड्रा कर सकते हैं, इजीली कुछ बना सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं और आप इसको यहाँ पे अगर आपके काम के नहीं, आप इसको जस्ट रेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज स्टैम्प पे आप जाएं और ये जो चीज़ है ये बड़ी काम की चीज़ है। आप समझा रहे हैं किसी को और एक मेन टॉपिक पे आप गए हैं, आप बिल्कुल उसके साथ स्टैम्प लगा दें, यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे लगा दें, तो ये चीज़ आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड फॉर ऑल टीचर्स, वेरी गुड फॉर होस्ट दैट आर होस्टिंग द वीडियो। स्पॉटलाइट में आप जाएँ, आपके कर्सर के अराउंड देखें, ये एक रेड लाइट का स्पॉटलाइट है जो कि आपको बताएगा कि आपका कर्सर इस टाइम कहाँ पे मौजूद है। आप इसमें जाके एरो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड दैट इज़ बी वेरी वंडरफुल। ये देखें, मैंने यहाँ पे लगाया हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और इसमें मेरे साथ मेरा नाम भी यूज़ हो चुका है कि मैं शहबाज अहमद, आई एम द होस्ट दैट इज़ सिलेक्टिंग, दैट इज़ डूइंग द एनोटेशन ऑन द स्क्रीन। एंड वन थिंग दैट आई कैन टेल यू कि अगर आपने बहुत सारी ड्राइंग्स कर ली और भी लोग आपके साथ ड्राइंग कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि जितनी ड्राइंग्स मैंने की हैं सिर्फ वो ही डेल हो जाए, बाकी किसी की भी ड्राइंग डेल ना हो, तो आप यहाँ पे क्लियर पे आके क्लियर माई ड्राइंग्स भी कर सकते हैं। आपकी जितनी भी ड्राइंग होगी वो क्लियर हो जाएगी, बाकी जो लोग कर रहे हैं उनकी आपके सामने रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि सारी ड्राइंग्स चली जाएँ, क्लियर ऑल ड्राइंग्स पे क्लिक करेंगे तो वो सारी भी चली जाएगी एट द सेम टाइम। अब हम आते हैं उस टिप पर जो कि तमाम टीचर्स को रिक्वायर होगी। आई गारंटी यू कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं मोस्टली ऐसा होता है कि वो भी आपके साथ साथ आपकी स्क्रीन को डीमोरलाइज्ड कर रहे होते हैं, उस पर लाइंस लगा रहे होते हैं, उस पर बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, बट आप चाहते हैं कि सिर्फ आप ही जो होस्ट हैं वही ये सब काम करें और कोई भी स्क्रीन पे एनोटेशन परफॉर्म ना करे। आप मोर पे आएंगे, मोर पे आके डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स, इसको आपने चेक कर देना है। जैसे आप इसको चेक कर देंगे, कोई भी पार्टिसिपेंट आपको डीमोरलाइज नहीं कर सकता, आपको परेशान नहीं कर सकता। आप डिसेबल कर लें, आप होस्ट हैं, आप ही किसी को अलाउ कर सकते हैं कि वो आपकी स्क्रीन पे एनोटेट करे या ना करे, आपकी स्क्रीन को मुतासर करे या ना करे, आप ही इस पे ड्राइंग्स कर सकते हैं, आप कोई और नहीं कर सकता। सो दैट वाज ऑल द टिप्स फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन थम्स अप टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।